भवन निर्माण विभाग ने इको पार्क के ठीक सामने स्थित 3 स्ट्रैंड रोड का बंगला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को आवंटित किया है। इस बंगले में पिछले 25 दिनों से रेनोवेशन का काम चल रहा है। बंगले के भवन को बाहर से नए रंग में सजाया सवारा जा रहा है तो अंदर सफेद रंग की ग्लास टाइल्स बिछाई जा रही है। बाथरूम से लेकर बेडरूम और गेस्ट रूम को मॉडर्न स्टाइल में रंगा जा रहा है। नए उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो रहे इस बंगले का पूरा कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। मरम्मत के इन कामों से अलग बाहर के बड़े से मैदान पर नजर जाती है तो कैंपस में लगे ट्रक दिखती है। इन पर प्लास्टिक के कवर में लिपटी हरी घास की शीट दिखती है। ड्राइवर से पूछने पर पता चला ये ट्रक कोलकाता से आई है। इस पर करीब 7 क्विंटल घास की सीट लदी हुई है जिसमें मजदूर बारी बारी से बेहद संभाल कर उतार रहे हैं। घास की हर सीट को कैंपस में पहले से बराबर की हुई मिट्टी पर रखते जा रहे हैं जिसे दूसरा मजदूर बेहद संभाल कर मिट्टी पर बिछाता जा रहा है। 3 स्ट्रैंड रोड आवास के कैंपस में लगाए जा रहे इस घास की कीमत हमने वहां खड़े ठेकेदार से पूछी। ठेकेदार ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ठेकेदार के मुताबिक करीब 13,000 वर्ग फुट एरिया में ये घास बिछाया जा रहा है जिसे लगाने की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग फुट है। इस हिसाब से गार्डन में बिछ रही घास की कुल कीमत 5,20,000 रुपये के करीब बैठती है। ट्रक पर लद कर कोलकाता से लाई गई ये घास असल में नर्म दूब है जिसे घास विधि से मिट्टी की परतों पर उगाया जाता है। इससे बहुत जल्दी नर्म घास वाला गार्डन तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेणु देवी बिहार की पहली ऐसी मंत्री हैं जिनका ये गार्डन शौक सरकारी खजाने का बोझ बढ़ रहा है। जेडीयू से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी भी अपने सरकारी बंगले के बड़े से लॉन में इस घास को लगवा चुके हैं। इसी तरह सूबे के एक और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सरकारी बंगले 5 देश रतन मार्ग में भी ऐसा ही घास बिछा हुआ है। हालांकि इस बंगले की साजो सजावट तब हुई थी जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री ये बंगला आवंटित किया गया था। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री ये बंगला आवंटित हुआ था।